आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपका 11 दिसंबर को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है, ओके। और लगातार मैं आपको इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, ओके, इसलिए इस वीडियो को पार्ट एक आ चुका है, ओके, आपका पार्ट दो है। पार्ट एक में दोस्तों आपको पहले ही 2 अंकीय 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। आई होप दोस्तों आपने पार्ट एक वाली वीडियो देख ली हो। जितने क्वेश्चन बताए हैं 2 अंकीय और 3 अंकीय वो सभी आपने क्या तैयार कर लिए होंगे, ओके। आपके 4 अंकीय प्रश्न रह गए थे, दो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, ओके। सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंड डीकर अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो निम्नलिखित आपको अभिक्रिया को समझाइए। 4 अभिक्रिया दी है, 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इन्हें आपको समझाना है, ओके। चलिए इसे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में ये आपका आया था, ओके। चलिए देख लेते हैं हम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको एक खास बस मैं बता दूं आपको, जब भी कोई आप अभिक्रिया लिखें तो आप इसी डिटेल मत लिखिएगा, केवल आपके पास उसका समीकरण अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। समीकरण एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ओके। समीकरण आपको ये पूरा मतलब लिखना है, ओके, कि ये क्या लिया, उसमें क्या मिलाई जाएंगे, कितने तापमान पर उसके बीच में क्या मिलाना है, ये सब आपको मतलब समीकरण बस आपको अच्छे तैयार करना है, ये डिटेल बस लिखी रखा है। 4 नंबर का रहेगा, 4 आप क्या है उनके समीकरण लिख दिए 4ों के, ओके, अभिक्रिया के, तो आपको नंबर मिल जाएंगे 4 के 4। चलिए देख लीजिए, तो ये आपका दिया हुआ है सैंडमेयर अभिक्रिया, ओके। तो सी शॉर्ट फास्ट लीजिए, लेकिन ये समझने के लिए आपको पहले पूरा दिया हुआ है, ओके, तो पूरा तैयार करिएगा पहले। ये है फिर नेक्स्ट आपकी दिए हुंस डीकर अभिक्रिया, तो ये आपकी हुंस डीकर अभिक्रिया, जैसे देखिए इसमें लिखा है हुंस डीकर अभिक्रिया, और केवल आपको इसमें क्या है समीकरण दिया हुआ है, ओके। तो बस इसी प्रकार से आपको समीकरण लिखना है, ओके। इसी प्रकार जब आपको सैंडमेयर अभिक्रिया में समीकरण लिख देना है, फिर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में भी एक ही समीकरण बस दिया हुआ है, ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए, आपका वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का हुआ दिया हुआ है, ओके। इसके आगे हम देख लेते हैं फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ओके, तो ये आपका दिया है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ओके। तो जिस प्रकार समीकरण दिया है केवल समीकरण बस आपको लिखना है, ओके। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेंट जेब का नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट है, 2019 की बोर्ड एग्जाम में आया था आपका ये। चलिए इसे देख लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित आपको क्या है सेंट जेब का नियम लिखना है। तो पहले आप विलोपन अभिक्रिया क्या है ये समझ लीजिए, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है सेंट जेब का नियम बताना है, तो आपको ये दिया है सेंट जेब के नियम, ओके। तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, ये आपके इसके बाद आपका यहाँ से है सेंट जेब का नियम, ओके। 2019 की बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आपका इंपॉर्टेंट है, ओके, रिपीट हो सकता है आपके इसी साल के बोर्ड एग्जाम में, मतलब 2024 के, तैयार करके रखिएगा, ओके। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए तथा इसमें भी अंतर स्पष्ट कीजिए, ओके। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए इसे भी देख ले, बोर्ड एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेते हैं दोस्तों हम SN1 और SN2 अभिक्रिया के अंतरों की क्रियाविधि समझाइए तथा आपको अंतर बताना है। इसी से आप फास्ट लीजिए, ओके। ये आपका दिया है, पहले अंतर देख लीजिए आप, ये आपका अंतर दिया हुआ है, ये पहला आपका पॉइंट हो जाता है, तो इसी से ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा, ओके। पहला पॉइंट हो जाता है, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठवां, सात अंतर दिए हुए हैं। कोई भी आपको अच्छे से 4 तैयार करिए, मैं तो कहूँगा आप वहाँ से 6 याद करिएगा, पेपर जाते समय 1-2 भूल भी जाते हैं, तो 4 तो आप लिख ही पाएंगे, ओके, 4 नंबर के लिए आपका रहेगा, ओके। तैयार कर लीजिएगा, ये आपके 7 के 7 पॉइंट दिए हुए हैं अंतर, ओके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ओके। और ऐसी आपकी क्रिया विधि अगर आप देखना चाहते हैं, तो क्रिया विधि आपकी ये दी हुई है, तो क्रिया विधि भी आप देख लीजिए, ओके। SN1 मतलब आपका अणु क्रिया विधि, ओके, तो ये आपका दिया है, द्वि अणु मतलब SN2 अभिक्रिया, तो ये आपकी क्रिया विधि आपको ये दी हुई है, क्रिया विधि भी तैयार कर लीजिएगा, ओके। वैसे आपका एक ही पूछा जाएगा कि या तो आपसे फिर SN1 SN2 अभिक्रिया में आपका अंतर आएगा, या फिर उन्हें समझाने के लिए आएगा, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, ये क्रिया विधि दी हुई है, ओके, क्रिया विधि आ सकती है, अंतर आएगा, अंतर के हाई चांस अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके। बाकी आप क्रिया विधि ये दी हुई है, SN1 की क्रिया विधि, ओके, फिर SN2 की क्रिया विधि आपकी ये दी हुई है, इसकी छोड़ लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ, ओके। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तंत्रता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, ओके। तैयार करिएगा, तो अब 2022 के में आ चुका है, ओके, तो हो सकता है आपके 2024 में भी आ जाए, ओके, 2022 से ही पहले आ चुका है आपका, ओके, तो 2020 में या उससे पहले, तो इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ओके। ये आपका दिया हुआ है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता सूत्र इकाई और तथा इनमें क्या है तंत्रता का प्रभाव स्पष्ट करना, ये आपका दिया हुआ कंप्लीट, इसी और इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, ओके। क्रम से पहले समझाया गया, पहले विशिष्ट चालकता समझाई गई है, फिर तुल्यांकी चालकता, फिर आणविक चालकता, ओके, और इन पर तंत्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके।
तो ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका दिया तुल्यांकी चालकता है कि ये ओके। इस पर इसके बाद दिया है इसमें तंत्र का प्रभाव क्या है आपकी तुल्यांकी चालकता ओके। इसके बाद फिर आणविक चालकता दी हुई इसकी परिभाषा ओके। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपकी दी है आणविक चालकता ओके। फिर इसके आगे आपकी ये दिए हुआ है आपका परिभाषा ओके, समझाया गया है। स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए ओके। फिर इसके बाद तंत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका ओके। तो आपको तैयार कर लीजिएगा, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, मतलब सीरियस में आपको क्या करना है, तीनों की आपको परिभाषा याद कर लेनी है ओके, और इनका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ओके, मतलब उनकी तंत्र बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गन्ने कम करेंगे तो क्या होगा, एक एक लाइन का उनके रहेंगे ओके। तैयार कर लीजिएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जितने क्वेश्चन बताऊँ सभी लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ओके। कोलरास का नियम अनुप्रयोग सही समझाइए, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NH4OH की अनंत तंत्रिका पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, और ये अपना सवाल दिया हुआ है ओके। मतलब उसमें दो क्वेश्चन, इसी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहला तो आपको बताना है कोलरास का नियम और अनुपयोग उसके बताना है, फिर इससे उसी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, इसे आपको सॉल्व करना है ओके। ये क्वेश्चन आपका 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, महत्वपूर्ण, चलिए इसे देख लेते हैं हम। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, पहले आपको लिखना है कोलरास का नियम, तो ये आपका दिया है कोलरास का नियम, इसके इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए ओके। कोलरास के नियम को अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपका ओके। फिर इसके आगे आपको देख लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इस चीज़ और आप ले लीजिए, ये आपको ये समझाया जा रहा है कोलरास का नियम ओके। इसके बाद फिर इसके आता है आपके अनुप्रयोग आ जाते हैं, तो ये आपके अनुप्रयोग दिए हैं कोलरास के नियम के अनुप्रयोग ओके। तो स्क्रीन शॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए, ये आपका दिया है कोलरास के नियम के अनुप्रयोग ओके। ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है, तो स्क्रीन शॉट आप इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए ओके। तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हो, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और यह कैसे बनाया जाता है ओके। इसकी दो सीमाएं लिखिए, देख लेते हैं। ये भी आपके क्या 2016 की बोर्ड एग्जाम में आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये सी भी आप तैयार कर लेना है। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है ओके। डायग्राम शायद आपको तैयार करना है पूरा, तो ये आपका दिया हुआ स्क्रीन शॉट आप फास्ट ले लीजिए ओके। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओके, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए ओके। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय बताइए, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय। तो ये पहले आपको संक्षारण की परिभाषा दी हुई है, फिर इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है, तो वो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया गया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ओके। तो ये लिख लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है ओके। और फिर इसके बाद क्या है, संक्षारण के बचाव के उपाय आपको ये दिए हुए हैं, दो उपाय दिए हुए हैं संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है, पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ लीजिए सबसे आसान आपका ये क्या है लॉन्ग में आपका मतलब सॉल्यूशन है ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, निम्न को समझाइए, निम्न को समझाना है, लुकास अभिकर्मक, रीमर टीमर अभिक्रिया, टॉलेन अभिकर्मक, यूरोटेप्रेन कैनिजारो अभिक्रिया ओके। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। पहले आपको क्या है लुकास अभिकर्मक बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है लुकास अभिकर्मक, तो यहाँ से आपका दिया हुआ है लुकास अभिकर्मक ओके। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके लुकास अभिकर्मक को आपको समझाया गया है ओके, ये आपके लुकास अभिकर्मक हो जाता है। फिर रीमन टीमन अभिक्रिया आपको पूछी गई है, तो ये आपकी रीमन टीमन अभिक्रिया दी हुई है ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, रीमन टीमन अभिक्रिया हो जाती है ओके। कोशिश करिएगा आपको केवल फार्मूला लिखना है ओके। जब आपको इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में आपको पांच आपको अभिक्रिया या अभिकर्मक आपसे पूछ लिया जाता है ओके, तो आपको केवल उसको क्या है ज्यादा आपको समीकरण के रूप में समझाना ओके, डिटेल आपको नहीं लिखनी है। फिर आपको टॉलेन अभिकर्मक के बारे में ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए, आपका टॉलेन अभिकर्मक हो जाता है ओके। और ये क्या है सिंगल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, दो या नंबर तीन नंबर बना के ओके तैयार करके रखना है। पर यूरोटिप्रिन, यूरोटिप्रिन भी इंपॉर्टेंट, 2016 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है यूरोटिप्रिन ओके। तो ये आपका यूरोटिप्रिन, ये आपको बस केवल इतना फार्मूला याद रखना है, ये आपका हो जाता है ओके। कैनिजारो अभिक्रिया भी देख लीजिए, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपका दिया है कैनिजारो अभिक्रिया ओके। ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए ओके। ये हो जाती है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया ओके। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके बचे हुए महत्वपूर्ण चार अंक के प्रश्न बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चलो सुना बिल्कुल करिएगा, और ये दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा ओके। अब आपके बस तो इस प्रश्न रह जाते हैं, अगर वही भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।